गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर आंगन पब्लिक स्कूल। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी स्टार्ट विद अवर ऑनलाइन क्लासेस एंड वी स्टार्ट विद अवर सब्जेक्ट ENV। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट विद अवर ENV सब्जेक्ट लुकिंग अराउंड। ओके, सो वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर 13 and 14। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विद अवर न्यू चैप्टर 15, फन विद क्ले। ओके, फन विद क्ले का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? फन विद क्ले यानी फन करना, यानी आपको मस्ती करना किसके साथ? क्ले के साथ। क्लियर एवरीवन? सो हमारा चैप्टर जो 15 है उसका नाम है फन विद क्ले। सो इट इज़ द स्टोरी अबाउट अ क्रो। ओके, एक क्रो की स्टोरी है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर। वंस देयर वॉज अ कोठिम्बू वन फ्रूट। नाउ स्टूडेंट, कोठिम्बू क्या होता है? कोठिम्बू एक फ्रूट का नाम है। ओके, सो वंस देयर वॉज अ कोठिम्बू, यानी एक बार एक टाइम पे एक कोठिम्बू एक फ्रूट था। इट वॉज रनिंग फेंस बाय फेंस। फेंस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जो वो तार बंधे होते हैं, आपने किसी के फार्म में देखा होगा। ओके, फार्म में है या तो फिर कहीं किसी के घर के बाहर भी फेंस बंधे हुए रहते हैं। ओके, सो इट वॉज रनिंग फेंस बाय फेंस, देयर कम्स वन क्रो। नाउ ये जो कोठिम्बू है वो कहाँ था? फेंस के पास था, यानी इट वॉज रनिंग, यानी वहाँ पे वो पड़ा हुआ था। क्लियर? देयर कम वन क्रो एट दैट टाइम्स, एट वंस वन क्रो, यानी उस टाइम पे कौन आता है स्टूडेंट? क्रो, क्रो यानी कौवा। ओके, ये जो कोठिम्बू था वो कहाँ जा रहा था? फिंस के बाजू में ही जा रहा था, तो वहाँ पे कौन आता है फिर? क्रो आता है। ओके, बाई सेइंग इट क्रो वॉन्टेड टू ईट द कोठिम्बू। बाई सेइंग इट क्रो वॉन्ट्स टू ईट द कोठिम्बू, यानी ये जो क्रो ने किसको देखा? कोठिम्बू को देखा, तो अब उसे क्या करना था? उसे खाना था। ओके, बाई सेइंग इट क्रो वॉन्टेड टू ईट द कोठिम्बू, जैसे ही उसने कोठिम्बू को देखा वैसे ही क्रो को उसे खाना था। ओके, क्रो हैड ओपन इट्स बेक टू ईट कोठिम्बू, इट्स सेड बापू यू कैन नॉट ईट मी बाय डर्टी बेक्स। जैसे ही क्रो ने अपनी जो चोंच होती है उन्होंने ओपन की, यानी क्रो हैड ओपन इट्स बिक, यानी उनकी जो चोंच, जैसे ही वो खाने गए उसे, यानी जैसे ही उन्हें अपनी चोंच ओपन की, वैसे ये जो कोठिम्बू है वो क्या कहता है? बापू यू कैन नॉट ईट मी, यानी आप मुझे नहीं खा सकते हो। क्यों? आपके डर्टी बिक्स है, यानी जो आपकी ये बिक है, आपकी जो चोंच है वो गंदी है, यानी डर्टी बिट। फर्स्ट फाइंड सम वाटर एंड वॉश इट, पहले कुछ वाटर, जहाँ पहले आप जाके अपनी ये जो बिक है उसे वॉश करके आओ, कहीं से सम वाटर फाइंड आउट करो और अपनी जो बिक है उसे वॉश करो। ओके, क्रो वेंट नियर द वेल टू वॉश इट्स बिक। फिर क्रो कहाँ जाता है? अपनी जो बिक है उसे वॉश करने निकल जाता है, और वो क्या फाइंड आउट करता है स्टूडेंट? वेल यानी कुआ। ओके, सो क्रो वेंट्स टू नियर द वेल टू वॉश इट्स बिक, तो वो कुएं के पास जाता है अपने चोंच को वॉश करने के लिए। ओके, इट्स सेड टू द वेल, वेल, ओ वेल, हियर कम्स अ क्रो, गिव मी वाटर टू वॉश माई बैक सो दैट आई कैन ईट कोठिम्बू, इट्स यमी। ओके, नाउ वेल ओ वेल, जो क्रो है वो वेल के पास जाके क्या कहता है? वेल यानी कुएं के पास जाके कौवा क्या कहता है स्टूडेंट? वेल ओ वेल हियर कम्स अ क्रो, यहाँ पे कौन आया है? क्रो आया है। गिव मी वाटर, यानी मुझे थोड़ा सा पानी दो। टू वॉश माई बेक, किसके लिए पानी चाहिए था? कौवे को अपनी जो बेक थी उसे वॉश करने के लिए। सो दैट आई कैन ईट कोठिम्बू, अगर ये अच्छे से वॉश हो जाती है मेरी बेक तो मैं कोठिम्बू खा सकता हूँ। इट्स यमी, यानी टेस्टी। ओके, वेल सेट, इफ यू वॉन्ट वाटर गो टू द पोटर एंड ब्रिंग अ पॉट देन फेंच वाटर, क्रो फ्लू अवे टू द पोटर एंड सेड। नाउ अब जो कुआ है वो क्या कहता है स्टूडेंट? वेल सेड, यानी जो कुआ है वो क्या कहता है कौवे से? इफ यू वॉन्ट वाटर, यानी आपको पानी चाहिए है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पोटर के पास। पोटर किसको कहते हैं स्टूडेंट?
जो मटका बनाता है उसे हम पोटर कहते हैं। ओके, तो कुएं ने क्या कहा कौवे से कि आपको अब सबसे पहले पोटर के पास जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके मटका लेके आना पड़ेगा ताकि आप पानी निकाल सको। ओके, तो अब क्रो कहाँ जाता है, क्रो फ्लू अवे यानी वहाँ से वो उड़ के कहाँ जाता है, पोटर के पास जाता है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पोटर। ओके, सो फ्लू अवे टू द पोटर एंड सैड, कम टू द नेक्स्ट पेज। पोटर पोटर ओ पोटर हियर कम्स अ क्रो, गिव मी अ पोट टू फेच वाटर, टू वॉश माय बैग्स, टू ईट कोटेम्बो, इट्स यमी यमी। नाउ पोटर के पास जाके अभी क्रो क्या कहता है स्टूडेंट, पोटर ओ पोटर हियर कम्स अ क्रो यानी यहाँ पे क्रो आया है, गिव मी अ पॉट यानी मुझे मटका दो, टू फेच वाटर यानी पानी भरने के लिए, टू वॉश माय बैग अब मुझे मेरी चोंच को धोना है, सो मुझे मटका चाहिए ताकि मैं पानी बाहर निकाल सकूँ कुएं में से, टू ई कोटिम्बू और कोटिम्बू को खा सकूँ, इट्स यमी यमी। पॉटर सेट ब्रिंग सम क्ले सो दैट आई कैन मेक अ पोट। अब जो पोटर है वो क्या कहता है स्टूडेंट, जाओ पहले जाके क्या लेके आओ, क्ले लेके आओ। पोट किसका बनता है स्टूडेंट, क्ले से बनता है ना। सो जो पोटर है वो क्या कहता है अब क्रो से, ब्रिंग सम क्ले सो दैट आई कैन मेक अ पोट, आप क्ले लेके आओ ताकि मैं पोट को बना सकूँ यानी मटके को बना सकूँ। ओके, सो क्रो वेंट टू टिम्बा टिप हिप ऑफ अ सॉइल। टिम्बा किसे कहते हैं स्टूडेंट, हिप ऑफ अ सॉइल। ओके, जो मिट्टी का जो एक वो एक मिट्टी का जो बहुत सारी मिट्टी पड़ी होती है, ओके वहाँ पे जाके उसे क्या लेना था, थोड़ी सी मिट्टी लेके आनी थी। ओके, टिम्बा ओ टिम्बा हियर कम्स अ क्रो, गिव मी अ क्ले टू गिव टू द पोटर, टू मेक अ पोट, टू फेच वाटर, टू वॉश माई बैग्स, टू ईट अ कोटिम्बू, इट्स यमी यमी। अब क्रो टिम्बा से क्या कहता है यानी जो मिट्टी का ढेर होता है उसको जाके वो अब क्या कहता है कि मुझे आप थोड़ी सी क्ले यानी मिट्टी दो ताकि मैं पोटर को दे सकूँ और वहाँ से पोट ले सकूँ, पानी भर सकूँ और फिर अपनी बैग को वॉश करके कोटिम्बू को खा सकूँ। क्लियर एवरीवन। नाउ टिम्बा सेट टेक हॉर्न्स ऑफ अ डियर हु सेट नो टू यू, क्रो फ्लू अवे टू डियर एंड सैड। नाउ अब टिम्बा क्या कहता है उससे स्टूडेंट, क्रो से जाओ जाके हॉर्न्स ऑफ अ डियर का लेके आओ, हु सैड नो टू यू, आपको किसने मना किया। ओके, क्रो फ्लू अवे टू डियर एंड सैड, डियर ओ डियर हियर कम्स अ क्रो, गिव मी अ हॉर्न टू डिग सॉइल, टू गिव टू द पॉटर, टू मेक अ पॉटर, टू फेच अ वॉटर, टू वॉश माई बैग्स, टू ईट कोटिम्बू, इट्स यमी यमी। अब वो जाके डियर से क्या कहता है स्टूडेंट, गिव मी अ हॉर्न यानी मुझे हॉर्न दो ताकि मैं सॉइल ओके डिग सॉइल दे सकूँ, किसको स्टूडेंट, पोटर को। ओके, टू गिव टू दी पोटर, टू मेक अ पोट ताकि वो पोट बना सके, टू पैच वाटर मैं पानी भर सकूँ वेल में से, टू वॉश माई बिग यानी अपने बिग को वॉश कर सकूँ, टू ईट अ कोटिम्बू, इट्स यमी यमी। ओके, सो स्टूडेंट आज हम सिर्फ यहाँ तक ही इसको लर्न करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, आपने देखा कैसे क्रो को सबसे पहले क्रो किसके पास जाता है स्टूडेंट, सबसे पहले कोटिम्बू के पास जाता है, उसने किसको देखा, कोटिम्बू को देखा, और कोटिम्बू किसको कहते हैं स्टूडेंट, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ फ्रूट। ओके, तो कोटिम्बू को उसने देखा कि वो कहाँ जा रहा था, फेंस के पास जा रहा था। फेंस यानी जो तार बंधे होते हैं फार्म्स में, आपने देखा है बाहर तार बंधे होते हैं उसको हम फेंस कहते हैं। ओके, तो वो उसके पास जाता है कोटिम्बू को, जैसे ही खाने जाता है कोटिम्बू उसे क्या कहता है कि आप सबसे पहले आपका जो बिग यानी आपकी जो चोंच है उसे वॉश करके आओ, बिकॉज इट इज़ अ डर्टी बिग, गंदी बिग है आपकी, तो आपको जाके पहले वॉश करके आना है उसके बाद मुझे खाना है। ओके, सो फिर क्रो कहाँ जाता है स्टूडेंट, कुएं के पास जाता है यानी वेल के पास जाता है, तो वेल उसे क्या कहता है, जाओ जाके पहले क्या लेके आओ स्टूडेंट, पोट लेके आओ। ओके, कैसे वो क्या कहता है क्रो को वेल के, जाके पहले पोट लेके आओ ताकि आप पानी भर सको। ओके, फिर कहाँ जाता है क्रो पानी भरने के लिए, वो पोट लेने के लिए,
पोटर के पास। तो पोटर उसे क्या सजेस्ट करता है, जाओ जाके पहले क्ले लेके आओ। ओके क्लियर एवरीवन? ओके स्टूडेंट, तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर में आगे है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? टेक केयर।